हाँ सर, अपना अपना पूरा परिचय बताएं। मैं पाठक हूँ, एक प्रैक्टिसिंग साइकोथेरेपिस्ट हूँ। सर, आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है और क्या संदेश है? देखिए, मूल संदेश यही है कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए हम सभी लोगों को बहुत सजग होना पड़ेगा। जिस तरीके से इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है कि मानव सभ्यता का एक एग्जिस्टेंस ही खतरे में है। अभी हमारे साथी बता रहे थे कि किस तरीके से आर्सेनिक मटेरियल बढ़ रहा है। अभी कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, 6 साल पहले 12% आर्सेनिक प्लेट हमारी करप्टेड हुई थी, आज की डेट में 36% आर्सेनिक बेल्ट हमारा जो है वो टोटली पोल्यूटेड है, जहाँ पे कि साफ पानी है ही नहीं। हम सभी लोगों को सजग होना पड़ेगा, ये आज की डिमांड है, अन्यथा आने वाली जो पीढ़ी हमारी है उनका खुली हवा में सांस लेना बहुत दुर्बल होगा। धन्यवाद। अपना पूरा परिचय बताएं। रमेश श्रीवास्तव। रमेश जी, आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? पर्यावरण सुरक्षा के लिए कार्यक्रम। किस तरह से पर्यावरण सुरक्षा पे कार्यक्रम आप लोग रखे हैं और कैसे औरों के लिए? वृक्षों को लगाने की और वृक्षों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी होनी चाहिए प्रत्येक नागरिक, तभी जो है पर्यावरण सुरक्षित हो पाएगा, वरना मुश्किल संभव। पूरा परिचय बताएं। कृष्ण मोहन, प्रांत संयोजक, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि काशी प्रांत। किस तरह से काशी की जनता को पर्यावरण के उपलक्ष्य में बताएंगे उनको और कैसे जागरूक करेंगे आप? पर्यावरण प्रदूषण पूरे विश्व की समस्या है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया की 10 बड़ी समस्याओं को सूचीबद्ध किया है, तो नंबर 1 पर पर्यावरण प्रदूषण को रखा है। पर्यावरण का महत्व जग जाहिर है, यह संकट का कारण है कि हमने प्रकृति के नियमों की अवहेलना की। जितने भी अवतार हुए वो इस धरती पर आए तो उन्होंने प्रकृति के नियमों का पालन किया था, उस नाते से प्रकृति सुरक्षित थी। पहले के समय में प्रकृति के प्रति लोग आदर का भाव रखते थे, पूज्यता का भाव रखते थे, इसलिए संपन्न अवस्था में थे। उस समय हम कहीं भी सांस ले सकते थे, कहीं का पानी पी सकते थे, कहीं का खाना खा सकते थे, बहुत अच्छा शुद्ध क्वालिटी बहुत अच्छी थी। आज सब चीज़ गिरी हुई है, उसके मूल में प्रदूषण है और उसको समाधान के लिए मुझे लगता है कि प्रकृति के प्रति आदर का भाव, श्रद्धा का भाव जिस दिन निर्माण करेंगे हर व्यक्ति, इस दिशा में आगे बढ़ करके इसकी संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करेगा, यह समय की मांग और ज़रूरत है, खुद के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, संपूर्ण संसार के भलाई के लिए।